नमस्कार ऑपरेटर साथियों, जो घटना हुआ था पिछले दिन 25 तारीख को, जिसमें एक ऑपरेटर का देहांत हो गया था, स्वर्गीय महेंद्र यादव का, आज उनके आवास पर ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन की टीम अर्जुन कुमार इनके घर पर पहुँचे और एक मदद का भरोसा दिलाएं और इनके भाई से खुद हम बात किए। आइए हम सुनते हैं और यह वीडियो में हम दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं जो बगल में जो खड़े हैं इनके दो भाई हैं छोटे छोटे और एक बूढ़ी माँ है और यह उनकी धर्म पत्नी है और चार छोटे छोटे बच्चे हैं। इनकी रोजी रोटी चली गई है। हम सरकार से भी और कंपनी से निवेदन करेंगे कि इनको एक सहायता किया जाए, केवल इनके परिवार के ऊपर एक राजनीतिक ना किया जाए, क्योंकि इनके आवास पर पूर्व विधायक मनोज यादव भी पहुँचे थे और जहाँ पर घटना स्थल पर जो शिक्षा मंत्री है झारखंड सरकार के, वो भी पहुँचे थे। आप सभी को पता होगा। हेलो, हाँ बोलिए। हम आए हैं इन्हीं के घर, तो इनका छोटा भाई है, इनसे थोड़ा बात करेंगे। हाँ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात करने में कोई प्रॉब्लम। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजय यादव नाम है। संजय यादव है, और आपका खास भाई है? हाँ मेरा खास भाई है। हाँ, तो ये घटना कितना तारीख को हुआ है? 25 के साथ ना। हाँ 25 25 को। कितना बजे के लगभग? वही लगभग 3 बजे। 3 बजे करीब ना। देखिए, हम लोग अपडेटर एकता सहायता फाउंडेशन की तरफ से हैं, जो एक संस्था है जो पूरा भारत लेवल पर ये चलती है और इसका मकसद यही है, ऑपरेटर को अगर कोई शोषण हो रहा है या कोई अन्याय हुआ है या कहीं दुर्घटना हुआ है तो इनको एक न्याय दिलाना, ठीक है। हम लोग कोई पॉलिटिक्स से नहीं, ना राजनीतिक से कोई लगाव है इसमें, मैंने हर केवल आपका झारखंड नहीं, हर स्टेट में हम लोग जाते हैं। अगर कहीं घटना हो रहा है तो उनके परिवार से अगर उनको अगर मालिक की तरफ से या कंपनी की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से अगर सहायता प्रदान नहीं हुआ है तो उसके लिए आवाज उठाते हैं। इसके लिए आपके जो भी परिवार है, पीड़ित परिवार, उनका मैंने सपोर्ट चाहिए। पहले वो हमको एक कंप्लेन दर्ज करे कि हमारे यहाँ पर एक समस्या है, उनका जो घर परिवार है उनका चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो तब संस्था जो है, जो ऑपरेटर एकता सहायता फंक्शन, उनके परिवार को संस्था की तरफ से भी और जो कंपनी है कंपनी की तरफ से भी दबाव डाल के उनके परिवार को एक आर्थिक सहायता दिया जाएगा, ठीक है। अभी इनके आपके जो आपके पिताजी हैं? नहीं नहीं, पिताजी नहीं। और आपके माता जी? हाँ माता जी है। माता जी है ना। आप लोग कितना भाई है? हम 3 भाई होते थे। 3 भाई है। तो सेकंड नंबर थे कि फर्स्ट नंबर थे? फर्स्ट। हाँ बड़े थे हम लोग दोनों। बड़े थे। और आप लोग क्या करते हैं? हम लोग इसे कितना दम पर चलाते हैं गाड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी आपके घर पर हमको लगा कि जो पूर्व विधायक थे वो भी आए थे। हाँ आए थे। हाँ, तो मैंने आपके मैंने आपको कुछ मुआवजा कहीं से मिला है कि नहीं मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है। कंपनी की तरफ से? कंपनी तरफ से बात चल रहा है। नहीं, बात चल रहा है माने आप लोग वहाँ पर जो घटना हुआ है तो वहाँ पर तो धरातल पर पहुँचे थे, जो शिक्षा मंत्री है वो भी पहुँचे थे ना वहाँ पर? हाँ पहुँचे थे, उस टाइम में हम नहीं थे, मेरा भैया था साथ में। हाँ देखिए, ये माने बहुत दुखद घटना है। अगर कोई भी ऑपरेटर का ऐसा घटना हो रहा है तो ये माने बहुत निंदनीय घटना है। अभी लापरवाही हुई है, हमको भी जितना जानकारी मिला है कि डीजल पाइप कट जाने से वहां पर मशीन में आग पकड़ लिया, लेकिन अचानक मैंने ऐसा आग कैसा पकड़ सकता है कि ऑपरेटर को उन्हें भागने का समय नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न भी है। और आप अगर आप सपोर्ट करते हैं संस्था को, अगर आप एक लिखित दीजिएगा कि सेवा में ऑपरेटर का सहायता फाउंडेशन जो कंप्लेन है, हम आपको जो क्षेत्र में अभी देखिए आपका क्षेत्र में 15-20 दिन पहले केदारू गांव पड़ता होगा, वहां पर एक ऑपरेटर का देहांत हो गया था मध्य प्रदेश के सीधी जिला में, तो उनके परिवार को भी हम लोग सहायता किए, ठीक है ना।
तो ऐसा अगर आप सपोर्ट करिएगा कि देखिए अभी जो आप लोग हैं ना एक यादव समाज से आते हैं, तो हमको मैंने सुनने में आया ऐसा कि मैंने हमको इतना नहीं जानकारी है, लेकिन हमको सुनने में आया कि वहाँ पर राजनीतिक ज्यादा होता है, आप वहाँ पर मत जाइए। फिर भी हम अपना जो मेरा टीम है अर्जुन कुमार है या इनको भेजे। अभी आपका जिला से हजारीबाग जिला से बहुत सारे ऑपरेटर है, आपको भी पता है। लेकिन देखिए जो राज्य सरकार है या आपके क्षेत्र के सांसद या विधायक है, ऑपरेटर के लिए कुछ किए नहीं है, या ड्राइवर के लिए कुछ किए नहीं, या कोई भी मजदूर के लिए कुछ किए नहीं। कि सबसे ज्यादा ऑपरेटर आता है हजारीबाग, 5 लाख करीब ऑपरेटर है, लेकिन ऑपरेटर के लिए कोई सेफ्टी नहीं किया है। ये बात मानते हैं ना? केवल जातिवाद से राजनीति करने से तो कोई फायदा नहीं है, हम लोग का अपना हक चाहिए। कोई भी ऑपरेटर है जो मजदूर है, उनका घर परिवार चलाना, आज आपके घर में आपका भाई का देहांत हो गया, आपका घर उनका दो दो लड़की है ना, दो लड़की है, दो लड़का है। हाँ, कितना साल के हैं? लड़की करीब करीब हो गई 10-11 साल का। लड़का? लड़का 10 साल के लगभग, 9-9.5 साल। नहीं, उन लोग स्कूल अभी जाते हैं? 1-1.5 साल का छोटा बड़ा है। स्कूल तो जाते होंगे हमको लग रहा, ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल का छोटा बड़ा। हाँ, अब देखिए इनका जो बच्चे का भविष्य है, इनको देखेगा कौन? ये बहुत बड़ा मैटर है। हम चाहेंगे आप मने और अपना जो आपसे भी जो बड़े भाई है उनसे बात करिए, ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन के विषय में आप एक कंप्लेन दर्ज करिए। जो संस्था की टीम है जो दिल्ली से आपके घर पर आएगी 15 दिन में या 10 दिन में, तो जो भी होगा आप सहायता किया जाएगा, और आगे चल के 1-2 महीना के बाद फिर से आपके परिवार को एक सहायता दिया जाएगा। और जो कंपनी है, कंपनी का पूरा डिटेल्स लिखित देना पड़ेगा कि इस समय यहाँ पर इस कंपनी में काज कर रहे थे। अगर वो कंपनी के पास अगर कोई वेतन भी आपका रुका हुआ है तो वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम बात करके। हाँ बिल्कुल, मेरा नाम बबलू कुमार है, मेरा नंबर आप रख लीजिए, कभी भी जरूरत पड़ेगा तो फोन करिएगा। ठीक ठीक ओके।